नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो मार्ट ग्वालियर पर। मैं अजीत सिंह आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। किसान भाइयों, आज जानेंगे अडामा कंपनी के कॉसायर प्रोडक्ट के बारे में। यह कॉसायर क्या है, इसके अंदर कौन सा टेक्निकल पाया जाता है, यह कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, इसको कौन कौन सी फसलों में प्रयोग किया जाता है, इस दवा को किस अवस्था पर डालना उपयुक्त माना जाता है, जानेंगे इसका डोज क्या डालना है, यह कौन कौन सी पैकेज साइज में मार्केट में आता है और इसका मार्केट रेट क्या है। इस प्रोडक्ट के बारे में A to Z जानकारी पूरी डिटेल से आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना है तभी सही और पूरी जानकारी मिल पाएगी। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले जानते हैं अडामा कंपनी का कॉसायर क्या है। कॉसायर एक कीटनाशक है जिसको बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार किया गया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कीटों को खत्म करने के साथ साथ पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है। अब जानते हैं इसके अंदर कौन सा टेक्निकल पाया जाता है। कॉसायर के अंदर क्लोरोएंटरनिलीप्रोल 18.5% SC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। SC फॉर्मुलेशन का मतलब होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, यानी कि गाढ़ा सफ़ेद कलर का तरल पदार्थ। यह टेक्निकल डायमाइड ग्रुप का एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल है, क्योंकि यह टेक्निकल लंबे समय तक फसल को कीटों से बचाए रखता है। अगर स्प्रे करने के 2 घंटे बाद बारिश भी हो जाती है तब भी यह टेक्निकल बहुत ही अच्छा कार्य करता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल है जो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीकों से कार्य करता है। इस केमिकल के अच्छे रिजल्ट देखने के लिए 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का छिड़काव दवा के साथ मिलाकर जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं यह कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है और इसको कौन कौन सी फसलों में प्रयोग किया जाता है। कॉसायर धान की फसल में तना छेदक और पत्ता लपेटक इल्ली को बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है। गोभी की फसल में डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली आती है उसको ही बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है। कपास की फसल में अमेरिकन बॉलवर्म और तमाकू इल्ली को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है। गन्ने की फसल में अर्ली सूट बोरर और टॉप सूट बोरर को कंट्रोल करता है। मिर्च और टमाटर की फसल में फ्रूट बोरर इल्ली को बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है। बैगन की फसल में सूट बोरर और फ्रूट बोरर दोनों को कंट्रोल करता है। सोयाबीन की फसल में ग्रीन सेमी लूपर, स्टेम फ्लाई और गर्डल बीटल को अच्छे से कंट्रोल करता है। चने की फसल में पॉड बोरर को अच्छे से कंट्रोल करता है। कहा जाए तो कॉसायर सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करने में सक्षम है और इसका प्रयोग सभी फसलों में किया जाता है। हम यहाँ आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से कॉसायर का रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजीत राजपूत अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और आप किस गांव से हैं आप अपना परिचय दीजिए। जैसे कि हमारा कॉसायर आता है, ये पेम्पलेट देना थोड़ा सा, ये हमारा कॉसायर है। इस दवा का हमने प्रयोग करवाया था ये किसान भाइयों के यहाँ पर, ये लूसन की फसल लगी हुई है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम इधर देखिए थोड़ा सा, मैं ग्राम माधवगढ़ से हूँ, रामायण धाकड़ मेरा नाम है, और मैंने और कोसायर दवा डाली, उसका मुझे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और अच्छा रिजल्ट मिला। और बाकी जो दवा डाली उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे कि आपने कितने बीघे में आपने ये कोसायर दवा को डाला था? 30 बीघा में लूसन लगाया है जी। उसमें मुझे इस खेतों में जो मैंने दवा डाली कोसायर, उसमें अच्छा रिजल्ट मिला, एक बिजली नहीं ली और हमें मिली इल्ली। जैसे कि कितने बीघे में कोसायर डाला था आपने? अभी मैंने 5 बीघा में ही कोसायर डाला। अच्छा, जैसे कि अदर और कंपनियों के उत्पाद आपने डाले हुए थे, कोसायर की उपेक्षा 4 दिन हुए हैं आपको डाले हुए हैं, इस खेत में इल्ली नहीं है और दूसरे खेत में इल्ली है। इल्ली मिली है, छोटी भी मिली है, बड़ी भी मिली है। बड़ी भी मिली है। तो आप किसान भाइयों से क्या सलाह देना चाहेंगे किसान भाइयों को कि ये उत्पाद अडामा कंपनी का कोसायर आपको कैसा लगा और कम समय में इसका कैसा रिजल्ट है? नहीं, मैं कोसायर की बहुत तारीफ कर रहा हूँ, मैं कोसायर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रिजल्ट मुझे सामने दिख रहा है और हमें इल्ली मिली है इसमें इल्ली। तो सभी किसान भाइयों को अपना पहले नंबर बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9869873161। 7361। और सभी किसान भाइयों को क्या देता हूँ कि जाते रहे, अब पूरी तरह से थोड़े प्लाट में डाल के परीक्षण करें उसका, बिल्कुल तब विश्वास करें, पहले मेरी बात पर विश्वास मत करो। एक अच्छे किसान की खासियत यही होती है कि कम जगह में उस चीज को डाले और देखे। अब जानते हैं इसके डोज के बारे में। कोसायर को सभी फसलों में 60 ml प्रति एकड़ डालना उचित माना जाता है, लेकिन गन्ने की फसल में इसका डोज 150 ml डालना उचित माना जाता है। यहाँ आपको छिड़काव करते समय हमेशा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी लेना जरूरी माना गया है, तभी इसके अच्छे लंबे समय तक रेल देखने को मिलेंगे।
अब जानते हैं कौन कौन सी पैकिंग साइज में मार्केट में आता है और इसका क्या रेट है। होशायर मार्केट में आपको 10 ml, 30 ml, 60 ml, 150 ml की पैकिंग में आसानी से मिल जाएगा और ये आपको मार्केट में 30 ml की पैकिंग में 400 से 450 रुपए में मिल जाएगा। अलग अलग मार्केट में इसका रेट अलग अलग हो सकता है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।